Good morning students, I am Amandeep Singh. In the previous lecture we have completed exercise 12.2. Now we are going to start exercise 13.1. Name of the chapter is Surface Areas and Volumes. अब इसमें सबसे पहले जो 13.1 एक्सरसाइज है उसमें टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a². सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 × lb + bh + hl. क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है, अब मैं एक फिगर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ. ये फिगर मैंने ड्रॉ करी है और एक फिगर है. अब देखो क्यूब वो फिगर होती है, 3D फिगर होती है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होते हैं. क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो सेम नहीं होते. तो यहाँ पे इसीलिए 6a², ए मतलब साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब एक ही साइड है, लेंथ भी वही है, ब्रेड्थ भी वही है, हाइट भी वही है. यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग अलग हैं इसलिए 2 × lb + bh + hl लिखा हुआ है. अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ हमें गिवन है. इट इज़ ओपन एट द एंड, ओपन एट द टॉप. ये टॉप से ओपन है. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट डिटरमिन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. हमने एरिया बताना है बॉक्स बनाने के लिए, कितना शीट का एरिया है, कितने एरिया की शीट यूज़ हुई है वो हमने बतानी है. तो सबसे पहले लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स ये कितने गिवन है, 1.5 मीटर. विड्थ हमें गिवन है 1.25 मीटर और डेप्थ हमें गिवन है 65 सेंटीमीटर. अब इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 65 डिवाइडेड बाय 100 ये मीटर में आ जाएगा. तो ये बन जाएगा 0.65 मीटर. अब सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि ओपन फ्रॉम द एंड और टॉप, टॉप से वो ओपन है मतलब ना तो इसकी लेंथ है और ना ही इसकी विड्थ है. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, उसमें से लेंथ और विड्थ हम माइनस कर देंगे क्योंकि टॉप से ओपन है मतलब उसकी एक लेंथ कम होगी और एक उसकी विड्थ कम होगी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स. फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल सरफेस एरिया का लिखूंगा पहले 2 × lb + bh + lh. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर से वो ओपन है मतलब एक लेंथ कम होगी और एक ब्रेड्थ कम होगी, तो lb माइनस हो गया इसमें से. तो यहाँ पे इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 2 lb + 2 bh + 2 hl - lb. अब 2 lb में से 1 lb माइनस किया, lb आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से 2h कॉमन आ जाएगा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए. तो अंदर रह जाएगा l + b. अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे. सबसे पहले l × b मतलब 1.5 × 1.25, 2 × 0.65, l + b 1.5 + 1.25.
25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ए इसका डेसिमल ख़त्म किया 10 आ गया, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे 100 आ जाएगा। 125 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आया 1875 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 2 इंटू, इसका भी डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 130, कैंसिल हो जाएगा 1.5 प्लस 1.25, इनको प्लस करेंगे ये आ जाएगा 2.75, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.75, इसका भी डेसिमल ख़त्म कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब हमारे पास है 1875 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 13, इसको 13 को मल्टीप्लाई करना है 275 से, 275 से मल्टीप्लाई करना है 13 को, थ्री फाइव सेवन फाइव आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3575 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो दोनों 1000 से डिवाइड हो रहे हैं तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 1000। अब ऊपर जो है वो प्लस हो जाएगा 1875 3575 1875 प्लस 3575। अब इनको प्लस कर लो, ये प्लस करके आ जाएगा 5450 डिवाइडेड बाय 1000 था, ज़ीरो कैंसिल हो गए तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 5.45, दो ज़ीरोज़ हैं, दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया कि एरिया कितना है। अब है सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ शीट फाइंड करनी है इफ़ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 20 रुपीस। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है वो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल टू कितना 20 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है इनटू दिस एरिया 5.45। अब इसको मैं फिर वैसे ही करूँगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल करूँगा, 2 1 इज़ 2, 2 5 ज़ार 10, 5 1 इज़ 5, 109। तो इसकी कॉस्ट आ गई ₹109, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5, 4 and 3 meters रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब उसमें टॉप से ओपन था, अब इसमें हमने वाइट वॉश करना है, किसी रूम को अगर वाइट वॉश करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसकी फोर वॉल्स जो हैं वो वाइट वॉश होंगी और उसकी जो सीलिंग है उसका जो टॉप है वो वाइट वॉश होगा, क्या नहीं होगा उसका फ्लोर नहीं होगा। तो फ्लोर को हम माइनस कर देंगे, फ्लोर में 1 लेंथ और 1 ब्रेथ होती है तो वो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, 2 LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB करना था वैसे ही हम करेंगे, ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रूम हमें गिवन है 5, ब्रेथ ऑफ रूम 4, हाइट ऑफ रूम 3, सरफेस एरिया ऑफ रूम वही चीज़ जो हमने पहले माइनस LB कर दिया क्योंकि इसमें फ्लोर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जो हमने पहले किया था, बस वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास एरिया आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या आ जाएगा, 7.50 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो एरिया आया, मल्टीप्लाई किया ₹555 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।